हाई गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल संचल लेप्चा सिक्किम मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। तो दोस्तों, हाँ, आज मैं पम्पकिन का रोटी बनाने जा रही हूँ, कद्दू का रोटी। तो दोस्तों, आप लोग आज का ब्लॉग में बने रहना। तो चलते हैं आज के वीडियो में, और चलने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे आज आए हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलते हैं आज के वीडियो में। ये चना भिगो के रखी थी, इसका सब्जी बनाऊंगी। देखिए, ये पम्पकिन आ गई, ये मेरे पाक्योंग घर से लेकर आई। देखिए, मैंने काट लिया है, कितना खूबसूरत कलर है ये फर्सी का और पम्पकिन का। इसका बीज को मैं सुखाकर अचार बनाऊंगी। दोस्तों, मैंने पीस पीस करके काट लिया है, छिलके भी निकाल लिया। देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी। दोस्तों, देखिए, ये पम्पकिन पक चुकी है। अब इसको मैं निकाल के, देखिए ऐसा हो गया है। अब इसको आटे से, आटे के साथ मिला के गूंथूंगी। थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी यीस्ट डाल रही हूँ। देखिए, मैं गरम पानी डाल दिया है, मिक्स करके अच्छी तरह से घोल के डालूंगी। ये इसको अच्छी तरह से मिला लिया है, इसको निकाल के ऐसा निचोड़ निचोड़ के मैं गूंथूंगी। ये ऐसे भी स्टीम हो गई है, खा सकते हैं, ऐसे भी एकदम हेल्दी है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, इसी तरह से मैंने पम्पकिन का रोटी बना के खाई थी, मगर उस समय मैंने पम्पकिन का छिलका नहीं निकाला था। इस बार मैं पम्पकिन का छिलका निकाल के स्टीम करके बनाई, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट में ना ऐसा ही पम्पकिन को काट के ना आप लोग अचार के साथ भी बना के खा सकते हो। थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब दोस्तों, इसी स्लैब में बेल रही हूँ।
और दोस्तों देखिए गरम गरम रोटी बन चुकी है, उसके ऊपर में थोड़ी सी घी भी डाल दिया है। ये घी मैंने खुद बनाई है। तो दोस्तों चने के साथ अच्छी तरह से मैंने परोस दिया है, अब खाऊंगी। दोस्तों देखिए इतना अच्छा हो गया, आप लोग भी खा सकते हो। ऐसा बॉइल करके भी खा सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट। दोस्तों आज का वीडियो यही अंत करना चाहती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।